हम इस अदरक का पाउडर बनाते हैं, चाय में यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ही गुणकारी औषधि है जिसे हम रोज़ाना हमारे किचन में यूज़ करते हैं। तो आज इसी से हम बनाने वाले हैं अदरक की सुपारी। हेलो फ्रेंड्स, ललिता चूल्हा चौका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुपारी के लिए हमने यहाँ अदरक लिया है जिसे हमने धो लिया है, और अभी हम इसको छील लेंगे, और छीलने के बाद में हम इसके पतले स्लाइस कर लेंगे और इसे लंबे लंबे कट कर लेंगे इस तरह से। अभी इसको एक कटोरे में निकाल लेते हैं। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। अभी इसमें हम भुने जीरे का पाउडर डाल रहे हैं, थोड़ा सा हींग डाल रहे हैं, ये काला नमक है, और ये है अजवाइन जिसे हमने तवे पे भून लिया था और इसको दरदरा पीस लिया है। ये सब मसाले आप जितना अदरक लेते हैं उसके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप अपने टेस्ट अनुसार इस मसाले को बढ़ाइए या घटाइए। यहाँ हमने नींबू को कट किया है और अभी इसका रस हम इसमें डालेंगे, और इस अदरक को ये मसाला पूरा कोट होना चाहिए, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये दो नींबू का जूस है और मसाला इसमें नीचे रह गया है, इसकी वजह से ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। अभी इन अदरक के टुकड़ों को हमें मिक्स करना है नींबू के जूस में, और इसी तरह से हम 5-6 घंटे के लिए इसे इसमें सोख होने के लिए रखेंगे। बीच बीच में हम चम्मच से चलाते जाएंगे ताकि सब अदरक के टुकड़ों को ये जूस लग सके, और अदरक ने ये रस पीना चाहिए, इसकी वजह से अदरक थोड़े खट्टे होंगे। देखिए 6 घंटे हो गए हैं और बीच बीच में हमने एक दो बार इसे चला भी लिया था चम्मच से, तभी रस की मात्रा थोड़ी सी कम हो गई है, इन टुकड़ों ने ये रस को थोड़ा सा पी लिया है। तो अभी हम एक थाली लेंगे और इसमें इन टुकड़ों को इस तरह से रख देंगे, और ये जो नींबू का रस है एक्स्ट्रा का उसे भी डालेंगे और इसे सूखने देंगे। आप चाहिए तो इसे छाँव में सुखाइए या धूप में भी सुखा सकते हैं, खाली टाइम आपका थोड़ा कम ज़्यादा लग सकता है। धूप में जल्दी सूख जाएंगे और छाँव में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस तरह से हम इसे रख देंगे ताकि ये रस पूरा सूख सके। ये 2-3 दिन में अच्छे से कड़क सूख जाएंगे। बीच बीच में हम इसे नीचे ऊपर करते जाएंगे। देखिए अभी ये दूसरे दिन का मैं दिखा रही हूँ आपको, तो रस थोड़ा सूख गया है लेकिन अभी भी ये अदरक के टुकड़े गीले हैं। इसे इस तरह से हम चम्मच से घुमा देंगे और फिर से इसे हम सूखने के लिए रखेंगे। अगर आप इसे खुले में रख रहे होंगे तो उस पर कोई पतला सा कपड़ा रख दें ताकि धूल मिट्टी ना लगे। ये देखिए, ये 2 दिन के बाद का मैं दिखा रही हूँ आपको। अभी ये थोड़े से श्रिंक हो गए अदरक के टुकड़े, लेकिन फिर भी नरम है और नींबू का रस सूख गया है, और ये 3 दिन के बाद पूरी तरह से सूख गए हैं। ये देखिए, हाथ से अच्छे से टूट रहे हैं, और ये जो हमने मसाले डाले थे वो जितना क्वांटिटी है उतना तो ये अदरक ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं, लेकिन ये बाकी का जो बचा हुआ चूरा है इसे हम निकाल के रख देंगे अलग से, और सिर्फ अदरक के टुकड़े लेंगे। और ये देखिए, बहुत कड़क अच्छी तरह से हमने छाँव में इसे सुखा लिया है। आप चाहे तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, और ये जो मसाला है इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं खाने के बाद या खाने के पहले, थोड़ा थोड़ा आप इसे खा सकते हैं। और ये जो अदरक के टुकड़े हैं इसका आपने छोटा टुकड़ा इसे मुंह में रखना है, जब आपको ऐसा लगे कि आपका पेट फूला हुआ है या आपको कोई खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तब आप इस अदरक के टुकड़े को मुंह में थोड़ा सा रखिए 5 मिनट के लिए, और उससे आपको अच्छा लगेगा, खाने की इच्छा जागृत होगी। तो इस तरह से यह सुपारी काम करती है।
आप ज़रूर इसे बनाइए, जितना चाहे उतनी क्वांटिटी में आप इसे थोड़ा थोड़ा बना के रखिए, और ट्रैवलिंग में या ऐसे भी उसकी वजह से पेट की छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये बहुत ही कारगर है। अन्न का अच्छे से पचन करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, तो इस अदरक की सुपारी को आप ज़रूर बनाइए। तब तक के लिए बाय।